डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और उससे जुड़े तमाम मीडिया में जो दखल है मुंबई शहर महाराष्ट्र और हिंदुस्तान भर में उसका कोई सानी नज़र नहीं आता। हम सब के बॉस रहे, हम सब ने बहुत कुछ उनसे सीखा है। हम सब को एक नई ऊंचाइयां देने वाले ऊंचाइयों के खुद एक खान राजीव कुंवर बजाज उर्फ आरकेबी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये कैमरा स्टूडियो फील्ड आपको बुलाती है और आप बचते हैं, ये कब तक चलेगा सर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, थैंक यू सो मच। आप भी, अनुराग भाई भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग भाई इस वक्त कैमरे के ऊपर नहीं है, ऑफ कैमरा हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं उन लोगों को। प्रदीप भाई भी सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। लेकिन आप ये बताइए कि आज की तारीख में जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, देश की राजनीति चल रही है, सबसे पहली बार मैंने देखा है। अब मुझे पत्रकारिता में 1982 से अब तक, जी सर, मैं पत्रकार रहा हूँ 1982 से लेकर आज तक, 1982 से आज तक हो गए 39 साल, 39 ईयर्स। 39 साल में मैंने सबसे पहली बार देखा है कि आज के कभी इस किस्म का माहौल जो के आर्थिक दुर्व्यवस्था पर, अव्यवस्था पर जो फ्रैंक एंड फियरलेस डिस्कशन होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। नौकरियों की कमी है, सारे कारोबार बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। वेरी फ्रैंकली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2003 में सहारा में आरकेबी शो में हम लोगों ने सबसे पहली बार कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं, सवाल चलाया था सर, या नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बार हम लोगों ने चलाया और हम बड़े खुश थे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम लोग ये सोच रहे थे कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनको MSMEs कहा जाता है उनके लिए मोदी जी बहुत कुछ करेंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज की तारीख में वो सारे कारोबार बंद हो चुके हैं। सलमान जी, जी सर, आज सब लोग, आज सब लोग, हाँ, आज सब लोग सड़क पे हैं। जी सर, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप सड़क पर नहीं। जी बोलिए सर। ये ऐसी स्थिति में मीडिया का क्या रोल है? मीडिया के रोल को आप देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप देखते हैं, अपनी बातें रखते हैं और कभी कभी तक तो आपको पाकिस्तान का टिकट भी पकड़ा दिया जाता है और दूसरी तरफ के फंडामेंटलिस्ट कभी कभी आपके बहुत समर्थन में उतर आते हैं और अचानक दूसरे दिन आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो क्या सच बोलना भी गुनाह हो गया आज के दौर में? देखिए साहब, सच बोलना हमेशा गुनाह था, कोई नई बात नहीं है। अगर मुझे जेल भिजवाया है तो कांग्रेस सरकार ने भिजवाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भिजवाया। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि देशद्रोह के केस में 1985 में मुझे कांग्रेस सरकार ने जेल भिजवाया था, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक वो खिताब मुझको नहीं दिया है, वो ऑनर, वो इज्जत अफजाई मेरी नहीं की गई है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जहां तक कि मीडिया के रोल का प्रश्न है, मीडिया का भी रोल तभी बहुत अच्छा होता है जबकि उसके श्रोता वैसे ही उसको मिले। फॉर इंस्टेंस, ये कहा जाता था पहले कि जहां तक बॉलीवुड का प्रश्न है, लॉस्ट एंड फाउंड के अलावा और जो बिल्कुल सेंसलेस रोमांटिक कॉमेडीज एक जमाने में बना करती थी, बॉय मीट्स गर्ल, बॉय हैज अ फाइट विद गर्ल, गर्ल स्लैप्स बॉय, देयर इज अ विलन हू कम्स इन एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग you know just get sorted out and everybody lives happily ever after. This was the formula of the Bollywood film. Otherwise there was the Manmohan Desai film which was the lost and found film. Us waqt ye kaha jata tha ki logon ko aur kuch nahi dekhna, lekin jab shrotaon ne tay kiya ki hum log ye nahi dekhenge to Bollywood ne bhi alag alag kisam ki kahaniyan parosni shuru kari. Ab wo daur aa gaya hai kyunki social media, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, आपका सिग्नल हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक के अलावा आपके अलग अलग चैट रूम्स हो गए, ट्विटर हो गया, जी सर, इन सब चीज़ों की वजह से जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको भी बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेगा तो धीरे धीरे सब बंद हो जाएंगे। आखिरकार कब तक धन्ना सेठ उसको चलाएंगे?
एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक छोटी सी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 60s में और उसके बाद 70s के पहले दौर में एक टर्म थी जो बार बार इस्तेमाल होती थी, दैट यूज्ड टू बी द जूट प्रेस। जूट, जूट जो होती है ना जी, कलकत्ता के आसपास जितने भी जूट के ओनर्स हुआ करते थे, जिनकी मेन आमदनी जूट से आया करती थी, उन सबके अखबार भी हुआ करते थे। तो वो सभी अखबार उनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए जाते थे, इसलिए उस वक्त जूट प्रेस नाम का एक टर्म बनाया गया जो कि लेफ्टिस्ट हमेशा इस्तेमाल किया करते थे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स के खिलाफ जी। आज की तारीख में मैं ये कॉरपोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इसको मैं जूट मीडिया कहूँ या झूठ मीडिया कहूँ या झूठा मीडिया कहूँ या क्या कहूँ, मेरी समझ के बाहर है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे सामने इंसिडेंट हुआ है, हर चीज़ हमारे सामने हुई है, और जो टेलीविजन पर आ रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ? अब सलमान जी ये तो आप ही बताएंगे। सर हम लोग, शो आपका है, मेरा नहीं है सर, हमने ये आप बताएंगे। सर हम लोग अपने करीब से देखा हुआ है सर, हमने और आपने एक साथ मनोहर जोशी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की सरकार को देखा है। इस बीच में काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं, हमने देश की सरकारों को देखा है। राजनीतिक स्तर पर हम तो मीडिया का रोना लेकर बैठ गए, मीडिया का रोना रोना है, क्योंकि चूंकि हम लोग उस बिरादरी से आते हैं। सरकारों की कार्यशैली में भी काफ़ी परिवर्तन आए, सरकारें बदली, लोग बदले, लेकिन वो व्यवस्था, राजनीतिक पतन जिस स्तर पर हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके प्रति भी चिंतित होना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है। राजनीतिक पतन नहीं हुआ है, सोच का पतन है सर। राजनीतिक पार्टियां अभी भी काम कर रही हैं, सीधी बात है जी। उसमें सबसे बड़ी बात अभी ये हुआ है कि क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति हम लोग इतने अनफेयर थे, उस वक्त भी हम लोग ये कहा करते थे कि डॉक्टर साहब जब चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। जिस वक्त पूरे देश, पूरे माफ कीजिएगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी, इंडिया वॉज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, ग्रीस हैड कोलैप्स्ड, स्पेन हैड कोलैप्स्ड, अमेरिका वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्सिंग, वॉल स्ट्रीट के आसपास लोगों ने सिट इन कर दिया था और वहां पर लोग जो है हटने को तैयार नहीं थे, थाईलैंड की इकोनॉमी हैड कंप्लीटली कोलैप्स्ड, डॉक्टर साहब ने उस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी अर्थव्यवस्था कायम रखी कि हम लोग ठीक ठाक रहे। अब ये हो सकता है कि मैं उनको ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हो सकता है कि ये अनायासी हो गया हो, इसलिए भी शायद हो गया हो क्योंकि याद रखें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उस वक्त तकरीबन 60-70% सिर्फ कैश के ऊपर डिपेंडेंट थी। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुई, जो अर्थव्यवस्था थी उसमें डीमोनेटाइजेशन का ऐसा डिसरप्टिव रोल रहा कि पूरी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हो गया और उसकी जगह पर कोई और विकल्प नहीं आया है अभी तक, बिकॉज स्टिल टुडे द कंट्री स्टिल हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉक। उसके पीछे जो सोच थी बहुत अच्छी थी, मतलब जो आधिकारिक तौर पर बताया गया है, मैं अनाधिकारिक तौर पर जो भी कहा गया है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर जो बताया गया बहुत अच्छी बात है, नक्सलवाद खत्म करना, आतंकवाद खत्म करना, ब्लैक मनी को खत्म करना, ये सब चीज़ें थी, बहुत अच्छी बात है, GST लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, फैंटास्टिक। लेकिन जिस तरीके से हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हुई, आज की तारीख में अर्थव्यवस्था जो 2016 8 नवंबर को डामाडोल हुई, आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही डामाडोल चल रही है। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव ग्रोथ आज की तारीख में, और नेगेटिव ग्रोथ है, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बोलिए सर। ये कहा जाता है कि GDP, आपकी जो GDP ग्रोथ की जो फिगर्स हैं, व्हेन योर GDP ग्रोथ फिगर्स फॉल बाय 2 percentage points, 5 lakh people lose their jobs, 5 lakh लोगों की नौकरियां जाती हैं जब GDP का ग्रोथ फिगर जो है वो 2 percentile points से नीचे आता है। आप खुद हिसाब लगा लीजिए आज की तारीख में कितने लोगों की नौकरियां गई होंगी। आखिर चीज, इसके बाद आप बोलिएगा, माफ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी, इट्स योर शो, लेकिन जो माइग्रेंट लेबर मुंबई से
नासिक से, नागपुर से, दिल्ली से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बाकी हर जगह से, हरियाणा से चलते हुए अपने घर की तरफ गई। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई घिनौना उदाहरण नहीं हो सकता कि हम लोग अपने लोगों के प्रति क्या मंशा रखते हैं। अगर मान लीजिए हमारी सरकारें, हमारे लोग वास्तविकता में ही बहुत ही जिसको हम एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं उसका हिस्सा होते, तो इन सब के लिए ट्रेन्स की व्यवस्था होती, बसेस की व्यवस्था होती, मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था होती, खाने पीने की व्यवस्था होती। ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं किया और मुझे लगता है एज एन एंटायर कंट्री वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन सर, इन बातों का कोई असर आपने देखा, सरकारों पर पड़ा हो, लोगों पर पड़ा हो, या उसको एक आदर्श बनाकर आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको कुछ जागृत करने की कोशिश हुई हो? अभी भी लोग उस उन घटनाओं को लेकर ना तो शर्मिंदा हैं, आप और हम बैठ के स्टूडियो में भले इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों में क्या आपको लग रहा है कि उन घटनाओं को लेकर उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कोई तैयारी सरकारों ने दिखाई हो? देखिए साहब, ऐसा है, लोगों को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, लोग याद रखते हैं। सर बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? एक नया छोकरा तेजस्वी यादव 76 सीट लेकर के आ गया। जी सर, सबसे ज्यादा, सरकार किसी और की भले बनी हो, सबसे ज्यादा सीटें किसके पास आई? बीजेपी नंबर 2 पर आ गई पार्टी। जी सर, ऐसा नहीं लोगों के पास, लोग याद नहीं रखते। अगर उसके पास ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती, ज्यादा अच्छी व्यवस्था होती, अगर मान लीजिए लालू जी जेल में ना होते, आज बिहार में सरकार किसी और की होती। दूसरी चीज, ये अगर आप सोच रहे हैं कि लोग भूल गए, लोग नहीं भूले हैं। और इसमें मैं सिर्फ ये हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसे सब लोगों को ये लग रहा हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इशारा केंद्र सरकार की तरफ कर रहा हूं, केंद्र सरकार की तरफ नहीं कर रहा हूं। ये स्टेट गवर्नमेंट्स का भी दायित्व था, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी दे कुड हैव ऑल्सो हेल्प्ड। व्हाई डिडंट दे हेल्प? लेट्स बी वेरी क्लियर, गवर्नमेंट्स एवरीवेयर आर द सेम। इट इज द पीपल हु फोर्स गवर्नमेंट्स टू एक्ट इन द वे दे ऑट टू। जहां तक के सरकारों का प्रश्न है, सरकार हमेशा एक जैसी होती हैं। हम लोगों की जिम्मेवारी होती है, लोगों का दायित्व तो होता है कि आप अपनी सरकार से वो करवाएं जो आप चाहते हैं। याद रख लीजिए, इतनी जागरूकता है सर, इससे ज्यादा जागरूकता है, लेकिन दिखती नहीं है सर। इसलिए नहीं दिखती है आज की तारीख में क्योंकि इलेक्टोरल लॉजिक अलग होता है, चुनाव का लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। वो धीरे 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 आखिर में एक इक्वेशन उसकी बनेगी, और जब उसकी इक्वेशन बनेगी वहां पर लोग नाप तोल करके ये तय करेंगे कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया या इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपको बुरा लगे जी, अगर लगे तो लगे। हमारे कुछ काम करने वाले लोग हैं बेचारे, हमारे साथ काम करते हैं काफी सालों से जी। गुजरात में एक जगह है नवसारी, नवसारी में तकरीबन 30 कॉरपोरेशन में 30 ऐसे वार्ड हैं, 30 वार्ड्स जो मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड्स हैं, 30 वार्ड्स ऐसे हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड्स हैं। हमें जो ड्राइव करता है लड़का, वो भी नवसारी से। 57 वार्ड में से 56 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 30 के 30 जो मुस्लिम बहुल वार्ड थे वो सब भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। क्यों जीत के आई? इसलिए जीत के आई कि बेटी का जन्म होते ही उसके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए जमा करा दिया जाता है, लोगों को मुफ्त में घर दे दिया जाता है और घर के पेपर्स भी अभी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो जहां पर काम होगा लोग आपको जरूर वोट देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, भले वो कांग्रेस हो, भले वो लेफ्ट फ्रंट हो, भले वो तृणमूल कांग्रेस हो। आखिरी बात, अगर कोई भी पार्टी, भले वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ बातों के खेल से आगे बढ़ाएगी किसी चीज को, अब बातों का खेल आगे बढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुंह जबानी आप वादे करके, अगर आप ये समझते हैं कि आप फिर आप लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे, लोग नहीं बनने वाले। अब जबानी जुगाली नहीं चलनी, नहीं चलेगी। सर महाराष्ट्र को लेकर अगर बात ना हो तो अधिकांश क्या, सारे के सारे सरकार में आपके हमारे मित्र हैं और विपक्ष में भी अपने ही मित्र हैं,
ये सरकार रहेगी जाएगी, अभी रोज इस पर चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन देवेंद्र फडणवीस जी ये कहना बंद कर देंगे कि सरकार आज गिरी या कल गिरी, शायद सरकार असल में गिर जाए। तो ये सरकार को चला रहे हैं फडणवीस जी। तो देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार ये बोल रहे हैं कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, वो अगर बोलना अगर बंद कर दें तो हो सकता है कि उनका फ्यूचर ज़रा अच्छा हो, लेकिन अभी तो सरकार चल रही है, अभी तो स्टेबिलिटी है सरकार आउट अ वे ऑफ वर्किंग, ऐसी बात नहीं। इन्हें खामोश होना पड़ेगा थोड़ा सा, वो अब वो पॉलिटिशियन हैं, बहुत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने आप को वो महाराष्ट्र के सबसे निपुण मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को वो पेश करते हैं। अब उनको मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला, हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे, लेकिन अगर वो उद्धव ठाकरे जी को अच्छी तरह काम करने दें तो हो सकता है आगे कुछ और हो जाए। लेकिन अभी जो इक्वेशन बन रही है, सबसे ज़्यादा फायदा इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारों का बनना बिगड़ना ये तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। सर, आने वाले दिनों में कोई नए समीकरण की तरफ आप इशारा कर पाएंगे? नए समीकरण की तरफ इशारा तभी होगा अगर शरद पवार जी की तरह कोई उभर कर आए राष्ट्रीय स्तर पर जी। और वो शरद पवार जी ही खुद ही कर सकते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़े, मतलब ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर एट द मोमेंट अमंग द नॉन बीजेपी पार्टीज। वो अगर इस किस्म का समीकरण बनाए नॉन बीजेपी पार्टीज का, जो कि भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल मुद्दों के ऊपर अगर टक्कर दे तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र की बात थी, पूरी बात खत्म नहीं हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपनी पुरानी जमीन वापस लेने में इस सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा मौका मिला है, और मुझे जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं गाँव खेड़े से, अभी ये मालूम पड़ा है कि भाई उन्होंने काफ़ी हद तक कवर भी कर लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा और दूसरा लॉस जो होगा वो कांग्रेस को होगा, मैं ये मान करके चलता हूँ। सर, आप हैं, हम हैं, कैमरा है, तो ये चर्चा तो लंबी चल सकती है, कुछ चलते चलते कुछ और कहना चाहें? चलते चलते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू चैनल। आई होप आप इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाएँ और अच्छे इश्यूज़ को लेकर के आएँ, और वो अच्छे इश्यूज अगर बड़े मनोरंजक तरीके से और अच्छे तरीके से लेकर के आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मनोरंजन सर आपके साथ कॉफ़ी पर चर्चा हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, आप हो और चर्चा हो, राजनीति हो, फिल्म हो, शिवजी उधार रहे सर, बहुत सारे इश्यूज हैं आपके साथ बात करने को। आप आए, आपने चार चांद लगाया उस कार्यक्रम को, एक मौका दिया कि हम सवाल जवाब कर सकें। 20 साल पहले हम आपके साथ बैठते थे और आज एक मौका, एक चलिए एंकर आपके साथ बैठे। 104 साल की उम्र में आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, थैंक यू सर। अगर आप 104 के हुए तो हम लोग भी 75-80 के तो हो ही गए सर। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सलमान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आप आए, लवली लवली सिटिंग विद यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। और हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव, अपने ज्ञान और इन चीज़ों का आदान प्रदान जो चलता रहा है अब तक आप देते रहे हैं, इसमें कहीं भी विश्राम ना आने पाए, हम चाहेंगे आप इस लगातार इस बीच हमारे साथ आते रहें, जुड़ते रहें और दर्शकों से को संबोधित करते रहें। हम आपका एक बार फिर पुनः शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे राजीव बजाज जी, RKB मशहूर शो, आपका अपना लाडला शो रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि बजाज साहब लगातार हमारे बीच आते रहेंगे और इस तरह की चर्चा का हिस्सा बनते रहेंगे, और वर्तमान राजनीति, पास्ट की राजनीति और भविष्य की राजनीति और अन्य सामाजिक मुद्दों पर हम इसी तरह की चर्चा आपके बीच लाते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? बजाज साहब से जुड़े हुए कोई सवाल आपके पास हों, आप ज़रूर हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सैयद सलमान को और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का, कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिएगा GRB न्यूज़। जय हिंद।